अगर कोई खुफिया भारत में प्रवेश करेगा तो पबजी गेम पर मोहब्बत करके नहीं खुफिया भारत में आएगा। बस एक चीज ही मैं कहूंगा कि सीमा हैदर एक महिला है, भारत की संस्कृति पर, भारत के संस्कार पर कहीं ना कहीं उसको भरोसा लगा। आज हमारे चैनल पर बहुजनों के मसीहा आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि भारत और पाकिस्तान में काफी ये न्यूज अफरा तफरी मचा चुकी है, और यही क्वेश्चन है सर कि सीमा हैदर और सचिन का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा हैदर जी अपने पति को छोड़कर चार बच्चों के साथ नेपाल होते हुए भारत में आ गई सचिन के पास। इस पर आपका क्या वक्तव्य है, क्या कहना चाहते हैं? हम धन्यवाद देते हैं भैया मोबाइल बनाने वालों जी। मोबाइल जब से देश में आई, हम भी कभी कभार सुनते हैं, हम सुने कोई गेम चलती है पबजी गेम जी जी। आप पबजी गेम कैसे खेलते हैं सब जी, कि वो पबजी गेम खेलते खेलते उन लोगों में मित्रता हो गई जी। तो बहरहाल जैसे भी हुई हो, लेकिन प्यार मोहब्बत एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जी, एक किया नहीं जाता है, ये हो जाता है जी। समझे आप कि नहीं जी जी। ये जैसे गैस पर चूल्हे पर पकाए के खाएला जला, खा लेने बस हो गया, ये कब होगा कैसे होगा और कितनी भयंकर इसका रीजन होगा जी, ये स्वयं प्यार करने वाला भी नहीं जानता है। क्योंकि जैसे आदमी जब दारू पीता है तो वो सोच ले कि हमको नशा न हो, तो ये संभव, नशा तो अपना काम तो करेगा जी। प्यार मोहब्बत प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज है जी। ये विचारधारा से शुरू होता है। जैसे मैंने सुना सीमा हैदर कहती हैं कि मेरे पति दुबई रहते थे जी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे जी, मैं पैसा मांगती थी तो मुझे गाली देते थे जी, और 2-3 साल से वो दुबई रहे जी, 4 बच्चे थे घर। तो देखिए ये मानव शरीर जो है जी, ये सुख की दासी है जी, ये मानव शरीर सुख की दासी है। वो एक महिला है जी, सीमा हैदर, और अगर इस लड़के से प्रेम हुआ तो एक भरोसे पर हुआ कि हमारा जीवन वहां सुदृढ़ होगा, हमारा जीवन वहां आबाद होगा और हमें भारत चलना चाहिए। बहरहाल जैसे भी वो पाकिस्तान से नेपाल होते भारत आ गई जी, यहाँ पता चला, जेल गई, जेल से 14 दिन के बाद जमानत पर रिहा हुई जी। इस बात फैली, अब तमाम एजेंसियां लगी हैं, कोई कह रहा है कि जासूस है, कोई कह रहा है पाकिस्तान वापस जाएगी जी, कोई कह रहा है कि भारत पूरा इसके साथ है जी। अपना अपना वक्तव्य दे के तो इतना तगड़ा मसाला मिल गया मीडिया के लिए कि रातों दिन उसी में मधुमक्खी की तरह मूड़ी गाड़ के कुछ ना कुछ निकाल के ये व्यू बटोर रहे हैं जी। लेकिन सत्य क्या है? देखिए एक चीज मैं मानू, अगर कोई खुफिया भारत में प्रवेश करेगा तो पबजी गेम पर मोहब्बत करके नहीं खुफिया भारत में आएगा जी। बस एक चीज ही मैं कहूंगा कि सीमा हैदर एक महिला है, भारत की संस्कृति पर जी, भारत के संस्कार पर कहीं ना कहीं उसको भरोसा लगा जी, कि इंडिया के लोग अच्छे हैं, मैं वहां चलूंगा तो मेरा जीवन और जो व्यक्ति से मेरा संबंध हुआ है सचिन से जी, वो मेरे जीवन को, बाकी जीवन को वो अच्छे से पार करेगा
तो किसी भी तरह से कितनी जलालत उठा के वो इंडिया पहुंची जी। अब एक साथ हैं दोनों, और वो बार बार कह रही है कि मैं मर जाऊंगी जहर खा के लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी जी। वो कह रही है कि मैं यहाँ की सरकार मुझे जेल में डाल दे मंजूर है लेकिन पाकिस्तान वापस न करे। तो एक महिला है, और वैसे हम लोग समानतावादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, कोई कह रहा है कि मुसलमान धर्म का अपमान हुआ जी। कोई कह रहा है कि भारत में ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाएगा, मुसलमान आके भारत में हिंदू बन गई जी। अब जहां तक मेरा विचार रहा कि मैं तो पहले धर्म मानता नहीं जी, मैं बार बार कहता हूं कि हम हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर अपने आप को इंसान क्यों नहीं बनते। क्या सर वो सीमा हैदर जी आपके पद चिन्हों पर चली? भाई मैं कह रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात को, हम समानता के पुजारी हैं जी। हम धर्म धर्म नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि मानव से मानव में प्रेम हो, और जहां मानव से मानव में प्रेम होगा वहीं से एक बुद्ध की उत्पत्ति होती है। बुद्ध माने जानते हैं, बुद्ध माने ज्ञान, बुद्ध माने बुद्धि, और जहां आपस में लड़ाई होगी वहां तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि कहां आएगी जी। अब सवाल यहाँ एक और आएगा कल आपके कमेंट में जी। कि अरे भैया आपने तो इसके लिए कह दिया लेकिन उस बिचारे के लिए नहीं कहा, हैदर के लिए जी। तो मैं हैदर भाई से भी कहूंगा कि काफी दिन आपने रहा जी। अगर आपके साथ संतुष्ट नहीं रही जी। भारत आ गई जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दुख आपको ये झेलना पड़ेगा, और ये दुख झेलने की क्षमता प्रकृति के द्वारा आपको मिले। अब वो भारत आई है तो हम भाई उसका अनभला नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे अगर भारत आई गई तो भारत में उसके बच्चे, सीमा, सीमा का आदमी, सारे लोग समानता बना के, समता बना के, एक अच्छा स्वभाव बना के भारत में रहें। और भारत सरकार से अपील करूंगा कि अगर वो कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत की संस्कृति है कि कहा जाता अतिथो देव भव, अगर कोई हमारी शरण में आ गया, और आने वाले को जब आप भगवान मानते हो तो आपकी शरण में आई है और रो रही है, ये कह रही है कि मैं जहर खा लूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, इस दशा में भारत के लोगों का क्या फर्ज बनता है। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करता हूं सब सम्मान सहित सीमा हैदर को भारत में जगह दिया जाए, यहाँ उसको नागरिकता दिया जाए, उसके विचारों का सम्मान किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा को भारत पर बहुत बड़ा भरोसा रहा है जी। सर, सर ये भारत में ऐसा होता कि मुस्लिम और हिंदू लड़का चाहे लड़की में जिसे प्यार हो जाता है तो लोग शादियां कर लेते, लव जिहाद का नाम दे दिया जाए। यार ये सब राजनीतिक मामला है, मैं अब बेसी बोलूंगा ना तो ज्यादा लोगों को मिर्ची लग जाएगी। मैं इस बात को क्यों कहा हूं कि हम हिंदू मुसलमान से पहले हम इंसान हैं जी। जैसे मुसलमान पैदा होता है वैसे ही हिंदू पैदा होता है। मुसलमान भी गेहूं की रोटी खाता है, हिंदू भी गेहूं की रोटी खाता है। मुसलमान भी सब्जी खाता है, हिंदू भी सब्जी खाता है। मुसलमान भी मरता है, हिंदू भी मरता है। दो लाठी, एक लाठी मुसलमान को, एक लाठी हिंदू को मारोगे, जितनी दर्द उसको होगी उतना ही दर्द उसको होगी। तो धर्म के नाम पर एक कट्टरता बना करके लोगों को क्यों बांटा जाता है जी। मैं ये कह रहा हूं कि शादी बेटा और बेटी की होती है, हिंदू और मुस्लिम की नहीं होती है। शादी लड़की की होती है और लड़के की होती है, अहिर चमार की नहीं होती है, ठाकुर पंडित की नहीं होती है। लेकिन वो जो धर्म बनाए गए हैं, तथागत बुद्ध ने क्यों कहा था जी। कि धर्म ही इस देश में लोगों को गुलाम बना के रखा है जी। मैं जानता हूं कि अगर पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया बुद्ध को क्यों मानी, इसलिए कि बुद्ध ने कभी किसी धर्म को तवज्जुब नहीं दिया जी। बुद्ध ये चाहते थे कि पूरी देश में, पूरी दुनिया में समानता हो, समता हो, मानवता हो। जब बुद्ध की विचारधारा की हुकूमत सम्राट अशोक जी, बृहदत्त मौर्य लोग चला रहे थे तो भारत की सीमा रसिया तक थी, और यहां लोगों में समानता था, भाईचारा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब लोग एक इंसान, एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे,
लेकिन जो जातियों की खाई इस देश में खोद दी गई, अब यहां यह कि अहिरे का बिया अहिरे के घर में हुई, चमारे का बिया चमारे के घर में हुई, लेकिन चौबे का बिया चौबे घर में ना हुई, पाड़े के घर में हुई। मैंने ये समाज हमारा बिचारा पढ़ा लिखा समाज जो है देखकर नकल भी नहीं कर पाता है। हमें कह रहे हैं कि हम जितनी ओबीसी के लोग हैं, जैसे यादव हैं, उर्मी हैं, चौहान हैं, राजभर हैं, ये माझी हैं, मल्लाह हैं, हम सभी लोग ओबीसी से हैं, तो क्यों ओबीसी से ओबीसी की शादी क्यों नहीं होगी? और ना ही एससी एसटी ओबीसी, ये सब लोग भारत के मूल निवासी लोग हैं। जब यहाँ जातियां नहीं थी तो शादियां तो हो रही होगी, ऐसा तरह की जब यहाँ जातियां नहीं थी तब यहाँ सदिया ना हो, शादी तो उस समय भी होती रही होगी। तो मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि जात से धर्म से मजहब से बाहर निकल करके एक मानवता परस्पर प्रेम बना करके सीमा हैदर को भारत में सम्मान दिया जा और उसको बढ़िया से एक तहजीब से उसको जीना जीने दिया जा, क्योंकि देश में प्रेम से सम्मान से सबको जीने का अधिकार इस प्राकृतिक ने दिया है। और भारत का संविधान तो हर व्यक्ति को आजादी देता है कि आप अपने तरीके से जी सकते हो जी। लेकिन धर्म आपको हर तरीके से जीने की आजादी नहीं देता है। धर्म एक विचारधारा है और उस विचारधारा में आप अगर उस धर्म से हैं तो आपको उस धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, उस धर्म से हट करके आप काम नहीं करेंगे। तो इसी को तथागत बुद्ध कहते थे कि धर्म कहीं ना कहीं मनुष्य को मानसिक रूप से गुलाम बना कर रखता है जी। अब जैसे हिंदू धर्म में गोबर लुड़िया के कहीं गणेश जी हैं इसको पूज लीजिए, अब कहते हैं कि अरे भाई गोबर में कैसे गणेश जी हैं, तो तुरंत कह देंगे कि यार आप हिंदू धर्म के विरोधी लग रहे हैं जी। अगर हिंदू धर्म की विचारधारा आप मानते हैं तो गौमूत्र का सेवन करिए, गोबर की पूजा करिए, दूध को पिंडी पर चढ़ा के नाली में बहाइए, ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये चीज मुस्लिम धर्म में भी है जी। कहीं ना कहीं पाखंड थोड़ा बहुत हर जगह है। अब यहाँ स्वर्ग नरक है, वहां दोजक जन्नत है जी। वो जन्नत के लिए मनाते हैं, यहाँ स्वर्ग खाती मना बोला, यहाँ लोग सोचना कि नरक न हो, वहां लोग सोचते हैं कि दोजक न हो जी। लेकिन स्वर्ग नरक वास्तव में कहीं नहीं है जी। सत्य है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा स्वर वही है जहां भाईचारा है, जहां नैतिकता है, जहां प्रेम है, जहां आपस में प्यार है जी। धर्म कोई भी हो, इसीलिए मैं धर्मों को मानता नहीं जी। मैं धन्यवाद एक कड़ी में देना चाहूंगा हमारे ही जिले के हैं भाई लक्ष्मण यादव जी जी। उन्होंने इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए एससी समाज की लड़की से उन्होंने अपनी शादी किया, ओबीसी में पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, आज पूरा भारत देश जानता है, लेकिन जातियां तोड़ो समाज जोड़ो के नारे पर जी। उन्होंने कहा कि मैं शादी करूंगा एससी समाज की लड़की से ताकि लोगों का हौसला बढ़े। यहाँ तो यही है कि अभी कोई एससी समाज से या कोई ओबीसी समाज में दूसरे समाज में ब्याह कर ली तब पहले होके कहे कि काम करा इनके तान दा इनका भात रोटी बंद करा एकदम जी, आना ही तब पंडित जी यहाँ हवन कर यहाँ पैसा लिया आ पूरे गांव के खियबा पियबा उनमें तोहरी पर डांड़ बाड़ लगी तब भात में मिला बोल। तो ये सब एक ढकोसला है जी। मैं आखिरी शब्द में ये कहूंगा कि सीमा हैदर को भारत में शांति से रहने दिया जाए, सम्मान से रहने दिया जाए, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद लेकर के पाकिस्तान से वो भारत आई है जी। तो यहाँ के लोगों की ये नैतिकता ये जिम्मेदारी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको इज्जत से भारत में रहने दिया जाए, उसको नागरिक बना दिया जाए ताकि उसके बच्चे पढ़े लिखे जी। चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।